हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब माय फैमिली। यूट्यूब फैमिली, आज आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। ये देखो, मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। आज कुछ अलग है, इंटरेस्टिंग सा, टेस्टी मज़ेदार है। ये देखो, आज मैं बना रही हूँ आलू फ्राई करके सब्ज़ी। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार बनेगी। ये देखो, मैं नमक छिड़क रही हूँ। बिना नमक के तो फीका फीका आलू सब्ज़ी से स्वाद नहीं बनेगी। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे, हाफ़ फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें नमक ज़रूर छिड़कना आलू में, ऐसे जब आप बनाओगे। देखो मैं क्या क्या बनाती हूँ। यहाँ मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। मैंने देसी घी डाल ली है। यहाँ पर कढ़ाई गरम हो रही है, गरम अभी हुआ नहीं था। देसी घी, देसी घी जब भी बनाओगे, डालोगे, आप स्लो फ्लेम में ही बनाना, क्योंकि घी जला दोगे तो वो सही नहीं बनता खाना। मैं घी कम ही जलाती हूँ, जैसे सरसों का तेल जलता है ना, ऐसा घी नहीं जलना चाहिए। ये देख लो, इसमें मैंने डाले हैं जी 2 ही प्याज, मीडियम साइज़ के छोटे। आज मैं बना रही हूँ चार वाली उसको कहते हैं हम। एक फ्रूट का बीज होता है, उससे हम सब्ज़ी बनाते हैं चिकन में डाल के। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। मेरे उधर बैंगलोर में हम उसको जब उसका सीज़न आता है सुखा के रख लेते हैं। वैसे तो वहाँ पे 10 महीने पूरा 12 महीने मिलता है। तो कौन कौन जानता है चार वाली क्या है, आप मुझे मेरी बहनें कमेंट करें। चार जो भी बैंगलोर का होगा चार वाली जानता होगा, जो भी नहीं मतलब जो मॉमडन्स हैं वो ही जानते होंगे, जो गांव के हैं। चार वाली किसको कहते हैं, चार वाली की सब्ज़ी बनती है। पर मैं, मेरे पास अब अवेलेबल वो है नहीं, तो मैं आलू ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखो, मैंने डाली है 1 शिमला मिर्च टेस्ट के लिए। अब डाला है जी 1/2 किलो चिकन। इसको मैं देसी घी में अच्छे से भूनूंगी। यही तो स्वाद है गाइस, जो हमारे खाने छुपे हुए हैं, बिछड़ रहे हैं, मतलब विलुप्त हो रहे हैं, उसको हमने दिखाना है, उसका टेस्ट बरकरार रखना है। ये देख लो, और किस किस को पता है चार वाली, किस किस ने खाया है, ये कमेंट भी करें। और मैं बताती हूँ आगे चार वाली है क्या। ये देखो, मैंने भून लिया इसको अच्छे से। इसका अभी पानी नहीं छूटा है, सिर्फ घी में कम से फ्लेम में कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। कम फ्लेम ही रखी है मैंने, इसकी गैस कम रखी है ताकि जल ना जाए और पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा। अब देखो, मेरे आलू डन है। आलू ऐसे ही काटे हैं, बहुत स्वाद बनी थी गाइस, बहुत स्वाद बनती है इसकी सब्ज़ी, बड़ी टेस्टी बनती है, मज़ेदार। और इसमें थोक के आलू डालते हैं। आलू बहुत ज़्यादा डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही आलू पसंद है। आलू या मेरे उधर तो चारली डालता है, मैं सिर्फ आलू या अरबी डाल के बनाती। ये देख लो, मैं अब मेरा चिकन थोड़ा मॉइस्चर सूखा है, तो मैं अभी हल्दी, नमक, मिर्च, नमक नहीं ऐड करूँगी, हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। एक टमाटर मेरा ऐसे ही रह गया, देख लो। टमाटर ज़्यादा डालने चाहिए, टमाटर से ही सब्ज़ी बनती है, टमाटर और आलू से। टमाटर भर भर के डालने चाहिए, 400 ग्राम तो होंगे, 1/2 किलो मेरा चिकन है तो 400 ग्राम टमाटर होंगे ये। ये देखो, इसको मैं अच्छे से इसका सुखाऊंगी पानी, और ये ढक के थोड़ी देर रख दूंगी, तो टमाटर का पानी इतना आ जाएगा, इतनी ग्रेवी हो जाएगी, उसको भी हमने सुखाना है। हाँ जी, चार वाली का किस्सा बताती हूँ क्या है। चार वाली वो है जो हम सब्जी में डालते हैं, या मेरी मम्मी कढ़ी में डालती है। किस किस का किस्सा सुनना है वो कमेंट करें। चारवली का, चारवली पता भी है ठीक है, चारवली नहीं पता भी है तभी मैं इसको बता देती हूँ क्या है, एंड में बताऊँगी। अब मैंने डाला है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मेरे पास थोड़ा ही था गाइस, मैंने पीस के नहीं रखा था पत्तर में, मैं पीसती हूँ अदरक लहसुन। मैंने
कम ही था तो बाजार का थोड़ा डाला है, और मेरे घर वाला भी मैं थोड़ा पानी ऐड करके डालूंगी। देखो अभी मैंने पानी कुछ नहीं ऐड किया है, अभी अभी तो ये चिकन और टमाटर का ही पानी है। इसको मैंने अच्छे से सुखाना है, हमने अचार की तरह इसको बनाना है, अचार समझ लो या चकना समझ लो। हम जब चारवली डालते हैं उसको बॉईल करके डालते हैं, बॉईल करके फ्राई करके डालते हैं, पर आलू मैंने बॉईल करने की ज़रूरत नहीं, फ्राई में ही गल जाएंगे। ये देखो चारवली ना सख्त होता है, वो बीज होता है तो वो सख्त होता है, तो उसको इसलिए पहले ही बॉईल कर लेते हैं हम। बॉईल करने के बाद उसको छील छाल के साफ़ करके, जैसे अरबी साफ़ करते हैं ना, सेम अरबी तो बहुत सॉफ़्ट हो जाती है, चारवली साफ़ नहीं होता तो बहुत सॉफ़्ट हो जाती है, उसकी वजह से उसको साफ़ करके फिर फ्राई करके नमक चढ़ा के फिर हम इसका चिकन या मीट में बनाते हैं, मटन में। तो अभी तो मैं फ़िलहाल वो है नहीं, तो मैं मीट चिकन या ऐड कर रही हूँ, आलू चिकन में आलू ऐड कर रही हूँ। ये देखो अभी इसका भी मसाला सूखेगा, ये ग्रेवी सूखेगी। ये देखो अब क्या डालूँगी मैं, आलू डालूँगी। अभी कोई मसाला नहीं डाला गाइस, मैंने हल्दी नमक मिर्ची डाली है, ये मैंने अदरक लहसुन का पानी अब देखो छिड़का है। अदरक इस टाइम पे अदरक लहसुन एक बार ऐड करके देखिए अपने खानों में, उसका टेस्ट कुछ और आता है गाइस। हमेशा चिकन मटन खा खा के बोर हो जाते हैं ना, जैसे बिरयानी जैसा ही मसाला तड़का लगाया अदरक लहसुन का, फिर प्याज टमाटर डाले, वो अलग टेस्ट आता है और इसका अलग टेस्ट आता है। एक बार आप बना के देखें और ट्राई करें, ऐसे अदरक लहसुन डाल के बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। अब इसको खुश्क करें, इसका पानी ना, इसका पानी खुश्क करें, अच्छे से सुखा लें। बच्चे खुश होके खाएंगे, बच्चे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, आपके आपको ही फरमाइश करेंगे फिर से बनाओ। ये देख लो मेरी ग्रेवी अभी सूख रही है, अब मैं डालूंगी जी आलू। हाँ जी चारवली आया है, चारवली ये है, चारवली किसको कहते हैं, कटहल के बीज को, कटहल को हम फनस कहते हैं बैंगलोर में। उसका जब यहाँ पे तो सब्जियाँ ही खाती हैं, पका हुआ फ्रूट कभी नहीं देखा मैंने दिल्ली में, बैंगलोर में पके हुए फ्रूट, पका हुआ फ्रूट को खाते हैं चारवली। देखो हम ऐसे ही चारवली भी डालते हैं फ्राई करके, मैंने उसके जगह आलू डाले हैं। तो कटहल के बीज को कहते हैं चारोली। आज है चिकन और चारोली की सब्जी, ये देख लो नाम तो वही है पर आलू डालें, बहुत टेस्टी मज़े के बनते हैं गाइस, एक बार ट्राई करें। ये खाने पुराने लोगों के खाने हैं। ये देखो मैंने, मेरा मन किया भाई आज के आपके सामने आज शेयर करूं। अब मैंने डाला है मसाला, ये देख लो मसाले डालूंगी, मैंने कुछ नहीं डाला, गरम मसाला जो भी घर में आपके आपके बना हुआ या बाज़ार से लाते हो वो आप छिड़कें, और दो तीन हरी मिर्च ऊपर से डालें, जिसको स्पाइसी खाना हो वो स्पाइसी खाएगा, हरी मिर्च ज़रूर ऐड करें, हरी मिर्च और धनिया। मैं अभी हरी मिर्च और धनिया ऐड करूंगी इसमें। ये देख लो मेरी चिकन की शक्ल, चिकन चारली है, चार्ली चैपलिन की नहीं बोल रही हूँ मैं, चिकन चारली की सब्ज़ी बनाई है। ये देखो इसको मैंने ढक के और रख दिया, स्टीम में बनेगा, और सुखा दिया है, उसका पानी खुश्क कर लिया है। ये देखो स्टीम आ रही है गाइस, मेरी सब्ज़ी इतनी चटपटी बनी है, इतनी मज़ेदार बनी है, ब्लर हो रहा है कैमरा, दिख भी नहीं रहा। अभी मैं बताती हूँ, अभी इसमें थोड़ा सा आप गरम मसाला ऐड करें। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है गाइस, बहुत ही मज़े का, उसके हाथ के कोफ्ते पसंद है मुझे, मेरी मम्मी के चारली की सब्ज़ी पसंद है, कढ़ी पसंद है, और एक चार बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा बनाती है। अब मैंने डाला है जी गरम मसाला, अब डाला है हरा धनिया और एक आधा नींबू, आधा नींबू ज़रूर निचोड़े, नींबू से आपका करारापन आ जाता है, चटपटापन। और ये डालें जी मिर्ची, मिर्ची तोड़ के ज़रूर डालें। ये मेरी सब्ज़ी डन है, ऐसे ही सूखा बनेगा। इसको हम सूखा इसलिए बनाते हैं, या पिकनिक पे जाओ या कहीं पे भी सफ़र में जाओ, मॉइस्चर से, इतना सुखाने से ना मॉइस्चर नहीं रहेगा, और आप सफ़र में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और लेके घूम सकते हैं, और बिल्कुल नहीं ख़राब होता इसको, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता, अचार के जैसा होता है। ये देख लो ऐसे चिकन चारली बनती है, आज का चिकन खा के मज़ा ही आ गया बच्चों को। और हाँ गाइस ज़रूरी
अगर मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।